बाज लोग ये बच्चों की शादियां नहीं होती, बच्चों की शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा तो क्या करें, उसके लिए है कि बच्चे खुद अपने लिए दुआ करें। और ये दुआ जो मूसा अलैहि सलाम की दुआ है ये बहुत अच्छी है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। वो परदेश में गए थे, कोई जान पहचान नहीं थी, वहाँ उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी और फौरन ही शादी भी हो गई, घर भी मिल गया, काम भी, जॉब भी, हर चीज। इससे मैं ये कहूँगी कि मैंने अपनी तीनों बेटियों की शादी जब की, तीनों दामाद उस वक्त काम नहीं करते थे, यानी जब मैंने रिश्ता किया तो अभी वो पढ़ रहे थे। पहली बेटी का रिश्ता किया, बच्चा पढ़ रहा था। जब रिश्ता करने के बाद जिस दिन निकाह था, ये सारे लोग मस्जिद जा रहे थे, मस्जिद में निकाह था, और रास्ते में उसको कॉल आ गई, रास्ते में कॉल आ गई कि फला तारीख से तुम इस जॉब पे आ जाओ। अल्लाह सुभान व तआला रिस्क देने वाला ना। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हुआ, शादी हुई, छोटी सी जॉब थी, शुरू की, और फिर अल्लाह सुभान व तआला ने आहिस्ता आहिस्ता बरकत दी और अल्लाह का फजल हुआ। दूसरी बेटी का जब रिश्ता हुआ, उस वक्त वो बच्चा भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मैं जॉब नहीं थी, अभी शायद साल डेढ़ रहता था उसका, उसकी यूनिवर्सिटी मुकम्मल हुई और फिर उसके बाद उसने छोटी सी जॉब शुरू की, फिर एडमिंटन चला गया, वहाँ जॉब हुई, फिर उसके बाद सऊदी अरब में ऑफर हो गए। खैर अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने बहुत अच्छी जॉब दी है। वक्त लगता है, शुरू के दिन कुछ मुश्किल होते हैं, हमने सिर्फ दीन देखा, अखलाक देखा, अगर बच्चा अच्छा है, नेक है, तो बाकी चीजें अल्लाह ताला टेक केयर करे। तीसरी बेटी का जब रिश्ता हुआ, उस वक्त वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और उसके बाद फिर वो भी उसने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। रिस्क अल्लाह देता है, नेक रिश्ते देखें, एक रिश्ते देखें, शरीफ लड़के देखें, और रिस्क किस्मत के साथ है, अगर अल्लाह ने लिखा है ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे।